इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर सीनियर सहाफी उमर चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब आपका। उमर चीमा साहब, पेंडोरा पेपर जिनको 2 साल तक इन्वेस्टिगेट किया गया, 1,19,00,000 फाइलों पर मुश्तमिल ये सारा डेटा है, 117 ममालिक के मीडिया इदारों के 600 से जायद रिपोर्टर जिन्होंने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उसमें आप भी शामिल हैं, आपका भी बड़ा रोल है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि पेंडोरा पेपर्स में जिन पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम आए हैं, आपने इनसे उनका मौकफ लेने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? जैसे शौकत तरीन साहब हैं, खुसरो बख्तियार हैं, इनका क्या कहना है जो इनके नाम इस लिस्ट में आए हैं? देखिए, शौकत तरीन साहब को तो हमने सवाल भेजे थे, ICIJ की तरफ से सवाल गए थे, और इसके अलावा जो इनके जिक्र का इन्होंने अपनी कंपनीज़ का हतोकताबत के लिए एड्रेस दिया हुआ था दुबई में, तारिक फवाद मलिक साहब का, उनको भी हमने सवाल भेजे थे। साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया था। बाकी जो तारिक फवाद हैं, उनका ये कहना था कि ये उन्होंने 2014 में कंपनीज बनाई थी, कोई इनका कोई को सऊदी अरब से, वो तारक वो बिन लादन फैमिली है, तारक बिन लादन का कोई इधर इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे तो इसलिए बनाई थी, लेकिन बाद में चीज़ें वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई और उसके नतीजे में वो बंद करना पड़ी, तो अच्छा, उनका तो ये था। नहीं तो क्या शौकत तरीन साहब ने ये बताया कि वो तारक को जानते थे, क्या ताल्लुक था उनका उनसे? कि जो तारिक फवाद का जो कहना है, वो ये कहते हैं जी कि मैं मेरे वालिद जो हैं वो रिटायर्ड मिलिट्री अफिसर हैं, और जो क्या नाम है, जो तरीन साहब हैं, इनकी भी बैकग्राउंड जो है वो मिलिट्री की है, तो इसलिए यानी कि हमारा एक पहले से ताल्लुक मौजूद था और वही आगे हमारा यानी कि उसकी जो तजदीद का सबब बना कि हम यानी कि दोबारा से रबते में आ गए, तो हमारा उनसे इस तरह का रब्ता है। बाकी जो एक दफ़ा पहले कभी तरीन साहब से बात हुई थी जब ब्रॉड का मामला आया था, तो तब उन्होंने ये कहा था, उनके साथ एक तलत घुमन साहब थे बैंकर, वो काम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है तारिक फवाद के साथ वो तलत घुमन साहब की वजह से। इसमें सिंह साहब का नहीं, उनके भाई का, उनकी वाइफ का, तरीन साहब की वाइफ का, इनका नाम भी शामिल है, इस बारे में वो क्या कहते हैं? बस वो कहते हैं, कहते हैं नहीं कि हमारा जो है यानी कि हम चूंकि सारे अपने एक बैंक में शेयर होल्डर हैं, तो हमने जो कंपनी बनाई थी उसका मकसद वही था। तो अब ये है कि असल में जो उनसे सवाल बेसीते वजीरे खजाना बनता है, वो ये है कि क्या ये जो कंपनीज हैं यानी कि वो इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्ट भी आ सकती थी, यानी कि उसके लिए कंपनीज बनाने की क्या जरूरत पेश है कि जिनके जरिए इन्वेस्टमेंट आनी थी। अब ये ना इन्हीं को उसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि कंपनीज के जरिए आपने अकाउंट खुलाने थे, और जो बैंक अकाउंट है वो बिरूने मुल्क होते, और जो आपका बैंक है उसके जो पैसे वो उधर बाहर पड़े रहते, वो हो सकता है कि बज़ाहिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही होती लेकिन पाकिस्तान तक पहुंचती ना, पाकिस्तानियों तक पहुंचती लेकिन पाकिस्तान तक ना। बात बताएं, अब ऑफशोर कंपनी बनाना ही क्यों गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह देखें कि हमारे यहाँ इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए, करप्शन का पैसा छुपाने के लिए, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, अगर सिर्फ पाकिस्तान तक ये मसला महदूद होता तो ये इंटरनेशनल लेवल का इशू ही ना बनता और ये इस पर इंटरनेशनल लेवल पर तहकीक ही ना होती। ये पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है, जो एक टैक्स होता है टैक्स अवॉइड करना, एक होता है टैक्स अवेड करना। अवॉइड जो करते हैं वो एक लीगल तरीके से आप जो है कोई ऐसे कोई हरबे इस्तेमाल करते हैं कि जिधर आप पर कोई को कानूनी इतराज़ भी ना किया जा सके और आप टैक्स भी बचा सकें। तो अभी आपकी नज़र से गुजरा होगा, ये बाज़ का रिपोर्ट्स आती हैं कि अमीर और गरीबों में फ़र्क बढ़ता जा रहा है, अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब तो गरीब तर होते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं। हाँ, तो वो जो है ना यानी कि उसके बारे में ऑक्सफैम की इंटरनेशनली सालाना एक रिपोर्ट भी जारी होती है, वो बताते हैं कि जो 1% अमीर हैं उनके पास कितनी दौलत है, को 50% जो दुनिया के बाकी पॉपुलेशन है उसके बराबर है। तो ये उस कंटेक्स्ट में जो है ये वैसे ही बड़ा मुतनाज़ है, यानी कि अगर कानूनी होने के बावजूद भी, लेकिन इसका ये एक पहलू है कि यानी कि जो है ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दूसरा ये है कि अब ये देखें ना कि जैसे इधर बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो सब्सिडीज़ भी लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक बिजनेसमैन है, उसकी बाहर कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट बाहर जा रहा हो तो वो इधर ये शो करें कि वो लॉस में जा रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट से उनके कोई कंसेशंस भी ली जाती हैं, तो यानी हो सकता है कि उनकी बात दुरुस्त हो, लेकिन अगर वो पैसा पाकिस्तान से बाहर जा भी रहा है तो वो ज़ाहिर है किसी चैनल के थ्रू जा रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, इसको तो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है।
इसको इसको कैसे छुपाया जा सकता है? अभी रिसेंटली एक एफबीआर में केस चल रहा है, एक अमीर फैमिली है उनका चल रहा है, उन्होंने लंदन में एक होटल खरीदा, उनसे पूछा गया यानी कि वो की खबर आई, उनसे पूछा गया कि कैसे खरीदा है, उन्होंने कहा कि हमने सिंगापुर में एक कंपनी कायम की हुई है, उस कंपनी की आगे दो और कंपनीज हैं, उनसे हमने लोन लिया है। जब उन कंपनीज की डिटेल पूछी गई तो एक से उन्होंने लिखा हुआ था कि हमने कोई $25 मिलियन लिया है, यानी कि 2.5 करोड़ डॉलर लिया है। तो उस कंपनी का जो लिखा हुआ था, जिस तरह ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड होता है ना, उसका भी एक और ज्यूरिसडिक्शन थी, तो उसके बारे में जब पता कराया गया उधर उस जगह से, उन्होंने कहा जी कि इस नाम की तो कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, बाज़ लोग हैं उनके जेन्युइन मसाइल भी होते हैं, लेकिन जो अक्सर लोग हैं यानी कि उनका ये चीज़ें सामने आ रही हैं या इस वजह से मुतनाज़ा हो गया कि उसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो कहा कि पनामा से भी बड़ा स्कैंडल है, बड़ी इसकी हाइप क्रिएट की जा रही थी और ख़ासतौर पर बहुत से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम आएगा, लेकिन वो उन लोगों को मायूसी हुई, लेकिन वज़ीरों के तो नाम आए हैं। आपको लगता है कि उसी लेवल की इन्वेस्टिगेशंस होंगी 2016 में जब पनामा आया था, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, फिर उनको नाहल करार दे दिया गया, उस लेवल की ही आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन होगी ये सारे मामले को लेकर? अभी इन्होंने कोई ऐलान तो किया है कि अपना कोई एक तीन रुकनी कमीशन का, जिसमें कोई वो तो हुकूमत ने बनाया, तीन रुकनी कमेटी बनाई है, सेल बनाया है, बाकी देखें क्या करते हैं। अदरवाइज जो जिस तरह का हमारा एक इत्साब का निज़ाम चल रहा है वो तो बड़ा सिलेक्टिव है, आई डोंट नो कि ये लोगों को यानी ये एक को फेयर ट्रीटमेंट होती है या क्या होती है, जो ही इस पर काम होगा तो पता चलेगा कि कैसे। पनामा और पेंडोरा में फ़र्क क्या है? सिर्फ ये कि पनामा में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। देखें, जो बड़ा होने का अलामत ये नहीं है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम है या नहीं है। हाँ, ये है कि उसका जो एक यानी कि उसमें रिकॉर्ड ज़्यादा है, उसमें लोग ज़्यादा हैं, फिर ये है कि यानी कि उसमें उसकी जो वसत है, रीच है, वो ज़्यादा है, और आप देख लें कि उसमें मिलिट्री के भी लोग हैं, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी से भी कुछ लोग हैं, उसमें बिजनेस क्लास जो है वो भी ज़्यादा है। जो लास्ट टाइम पनामा आया था तो उसमें कोई तकरीबन 400 लोग थे, अभी जो है कोई 700 के करीब लोग, तो यानी ओवरऑल तो यानी कि हुजम तो हुजम वाइज तो वो उससे ज़्यादा है पहले की नस्बत। अच्छा उमर, ICIJ की मालूमात ज़ाहिर है जिस बुनियाद पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसको कैसे ऑथेंटिक माना जाए, क्या बेसिस हैं जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है? जो टैक्स हेवन ममालिक हैं जहाँ लोग टैक्स का पैसा छुपा, टैक्स का जो पैसा है वहाँ रखते हैं, करप्शन का जो पैसा वहाँ रखते हैं, ज़ाहिर है वो बैंक्स तो डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं, तो क्या ये कोई हैकिंग होती है या ये पनामा पेपर्स पर जो जिस तरह सारी इन्वेस्टिगेशन सामने आई, पनामा आने से कोई 2 महीने पहले तक भी किसी को नहीं पता होगा कि इतना बड़ा स्कैंडल आ जाएगा जिसके नतीजे में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको नाहल कर दिया जाएगा, तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, एथिकल जर्नलिज्म है, ये है क्या? देखें, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ज़्यादातर वो उसमें विसल ब्लोअर्स का बड़ा रोल होता है, नहीं कि कोई भी हमें को इल्हाम तो नहीं होता कि फलां जगह पर ये हो रही है, कोई ना कोई आपको बताने वाला ज़रूर मौजूद होता है। सही। अब ये है कि ये जो ऑफशोर स्ट्रक्चर है इसमें भी ऐसे लोग हैं कि जिनको लगता है कि जो एक सिस्टम की एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ वो बोल उठते हैं। हाँ, और वो इंफॉर्मेशन आगे जर्नलिस्टों के साथ शेयर करते हैं, तो जर्नलिस्ट उसको ये नहीं कि इसी तरह सारी अपलोड कर देते हैं, उसको वो फर्दर उसको एग्जामिन करते हैं। अब आप ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, मैंने जिन लोगों को भेजा है मुझे नहीं याद कि किसी ने कहा हो कि मेरी ये कंपनीज जो है नहीं। सही, आगे वजाहतों में फर्क जरूर आ सकता है। अब आप इमेजिन करें ना कि मुझे अगर किसी आदमी का नहीं पता तो मैं अगर उसको भेजूंगा वो कहेगा जी आप किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर उसको मैं पर्टिकुलर डिटेल भेजूँ कि आपकी फलां कंपनी है, ये फलां टाइम पर बनी थी, इसके बारे में आपकी क्या है, तो यानी कि वो तो अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया, आगे यानी कि उसकी वजूहात पर एक इतराज या पूरा डेटा है या और नाम भी इसमें आ सकते हैं अभी एक्सपेक्टेड है? नहीं, नाम तो देखें, नाम तो कहने को बहुत ज्यादा है, यानी कि एक होते हैं मीडिया वाले नाम, एक होते हैं जो जो FBR को नाम मीडिया में, तो यही होता है जी कि बड़ा बड़ा यानी कि हम तो ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट का भी काम हो रहा होता है ना कि भाई इनके को बड़ा नाम बताएं।
जो इनको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो उसके हजम के लिहाज से देखते हैं कि किसका केस जो है वो बड़ा है, या उसमें से हमें क्या रेवेन्यू क्या जनरेट होगा, या उनके बाहर जो है वो कितने प्रॉपर्टीज हैं। जैसे बात हुकूमत ने एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन वज़रा आप शेख रशीद साहब को सुन लें, आज कह रहे थे ये सारा मामला टाई टाई फिश हो गया, हुकूमत लगता नहीं इसको सीरियस नहीं ले रही है। देखिए मैं तो मफरूजों पर नहीं जाता, और जो रिकॉर्ड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, पहले ही तो यानी कि जब उनको डिलीवर करेंगे तो फिर पता चलेगा कि अभी तो हम यही कह सकते हैं कि एक उन्होंने कमेटी का ऐलान किया, अभी तक की हकीकत ये है, आगे वो क्या करते हैं, क्या वो पहले जैसा काम होता है या उससे मुख्तलिफ होता है, ये वक्त बताएगा।